हेलो गाइस, वेलकम टू माय टू डू ब्लॉग्स। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं आपके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैगी की एक रेसिपी है जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसका नाम है फटाफट चटपटा मैगी रेसिपी। सो गाइस, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैगी लिया है, उसके साथ शिमला मिर्च कट कर ली है थोड़ी सी, और प्याज को कट कर लिया है, सब लंबे स्लाइस में कट की है। उसके बाद उसे थोड़ा सा प्याज को धीरे हल्की आंच पे आप फ्राई करें, इससे प्याज का कच्चापन भी ख़त्म होगा और फ्राई की हुई प्याज से बनी हुई सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। अब हम ज़्यादा फ्राई ना करते हुए शिमला मिर्च और हरी मिर्च, जो मैंने एक स्लाइस सिर्फ ली थी, जो कि कट कर ली है, एक मिर्च को जस्ट कट किया था। तो अब धीरे धीरे ये दोनों फ्राई हो रहे हैं। तो गाइस, ये बहुत इजी रेसिपी है। हम मैगी तो हमेशा खाते हैं, बट ये एक इस तरह की मैगी मैं बना रही हूँ जो कि आपने आई गेस नहीं खाई होगी, क्योंकि इसका बनाने का मेथड बहुत इजी है, बट टेस्ट की तो बात ही कुछ और है। सो मैगी के साथ हमारे पास मसाला भी आता है, वो तो हर कोई बनाता है, बट इसमें हम मसाले को थोड़ा भून ले रहे हैं, जो कि इन सब के साथ हल्की फ्राई हो जाएगी। फ्राई होने के बाद मसाला का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम भून लेते हैं। सो गाइस, ये तो काफ़ी अच्छी तरह भून गई है। मैंने फ्लेम को काफ़ी मीडियम रखा था, जिससे कि फ्राई ठीक से हो सके। सो गाइस, ये ज़्यादा इस पर कमेंट मत करना कि आपने कढ़ाई इस तरह की डाली है, बट ईजी रेसिपी है जो कि कोई भी बना सकता है। तो मैंने एक ग्लास यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैगी भी हमें उबालनी है। सो फ्रेंड्स, ये तो सही उबल रहा है। अब इसे तेज आंच पे हम थोड़ा पहले इसे मैगी डाल के इसे पका लेते हैं। इसे धीरे धीरे ढक के पकाने से, स्टार्टिंग में थोड़ा ढक के पकाने से क्या होता है कि ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा, तो इससे हमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने हर बार ढक के पकाया है। ये देखिए, इसमें पानी है, ये मत सोचिए कि पानी है तो मैगी ख़राब लगेगी, बट अब देखते जाइए आप ध्यान से, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को एकदम बढ़िया से देखिए। इसके बाद चटपटी मैगी खाने की तो बात ही कुछ और होगी। तो ये धीरे धीरे पक रहा है, उसे थोड़ा सा एक बार और मैंने ढक दिया। तो ये है सबसे इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो है चीज़। इसमें ये चीज़ डालने के बाद जो इसका फ्लेवर आता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। ये चीज़ मैंने डाल दिया इसमें। ये चीज़ को मेल्ट होने के लिए थोड़ा ढक देने से ना, वो बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों की सबसे फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। इसे ढक दीजिए ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए थोड़ा, और आपको अगर पसंद हो थोड़ा नमक तो आप उसमें थोड़ी नमक भी डाल दीजिए, एक दो चुटकी नमक डालने से ये सही रहेगी। ये देखिए, चीज़ मेल्ट हो गया, कितनी जल्दी मेल्ट हुआ है। ये देखिए कितना क्रीमी हो गया है, और इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा, और टेस्ट का तो बात ही अलग था। बच्चे खाने के बाद तो नाम लेते हैं इसका। आपको इसमें आप अब थोड़ा सा टमाटो केचप भी ऐड कर दीजिए, जिससे वो चटपटा बन जाए, इससे रेसिपी की नाम भी सक्सेस हो जाए, चटपटा मैगी रेसिपी। और ये फटाफट बन भी गया है। सो गाइस, हुआ ना ये फटाफट चटपटा मैगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर भी करिएगा। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। अब आप एक बार बनाइए और उसे टेस्ट करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।